वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आपका भाई एक नया व्लॉग के साथ में आ गया है। जैसे कि आप मेरी आंखें देख रहे हो कि आज मैं बहुत देर से उठा हूँ सो के, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट, बट स्टिल उठ तो गया। तो आज का प्लान कुछ इस तरीके से है कि आज मम्मी इज़ डे आउट है, उनको भी फ्री टाइम मिल गया, मुझे भी मिल गया, और बेगम को एक काम दे दिए है जो कि उनके लिए टास्क बराबर है। क्या कहा? शायद आप लोग ने सुन लिए होंगे। ठीक है, तभी हम लोग चलते हैं बाजार, कुछ सामान लेना है। मुमरा मार्केट के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि मुमरा में क्या क्या चीज़ें, कैसी कैसी चीज़ें और कहाँ कहाँ मिलती है। ठीक है भाई, बता रहा था वो काम ये है, बेगम को साफ करनी है मच्छी जी। और आपको बता दूँ कि टाइम क्या होता है, 2 o'clock। चल देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरीके से मच्छी साफ होती है। ये वाले जो दुकान है, क्योंकि मच्छी मार्केट है, वहाँ पर पानी वगैरह होता है। मेरा सबसे पहले जाने का है, पैसा निकालने का ट्राई करते हैं। आजा भाई आजा। है ना, 500 रुपये तो हाथ में कैश होना चाहिए, बाकी तो ऑनलाइन पेमेंट हो ही जाता है। एक जमाने से नारियल पानी वाला इधर ही है। तो हम पहुंच गए हैं मच्छी मार्केट पे। 200 का वाटा है, 150 में तो भूमि कैसा दिया भाई? 100 का एक वाटा, दो नहीं, ये कड़ू है ना, 100 है 50। झींगा कैसा जी? झींगा 120 का दो बटा। ये मच्छी कैसे दी? 100 का 3 बटा ले लो। कौन सी है? एकड़ू कौन सी है? भाई पापलेट कैसा? 200 रुपये बटा, 500 का 3 बटा। ये 500, 400, 400। अरे जोड़ी 100 रुपये जोड़ी में क्या है अभी? 400 रुपये बासी लग रही है। दोस्त कैसा है? स्किन निकलते दिख रही। कैसा दिया भाई सुरमई? 120। मैं पकड़ लूंगा, लेने का तो ले लो या फिर आके देख लो। बहुत सस्ता है ना? क्या है, बहुत ज्यादा सस्ता है। दो ना मत दो, थोड़ा लगा के दो, लेकिन हम लोग को जाना है। लगा के दो, पूछ के छोड़ दिया, वो भी डाल दो यार। क्या दो? ठेकड़ा भी है। शुक्रिया। ये पूरा है क्या? कितना का है? 100 में आएगा। सब है, पैर वैर सब है। बस बैठे मांगो दे रही है, कभी भी बाजी ला के दे रही है। बात तो वही है ना कि लेके खाएंगे कैसे। मच्छी वगैरह ले लिए है, अभी देखते हैं कांदा वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता। ये शरीफा रोड से अंदर, ये हीना मेहंदी, यहाँ से लिए थे अपन ने, वो ये लिए थे रखने का रैक। यहाँ पूछ लेते ना, ये दो देखो यहाँ पे रखा हुआ। कितना कैसा है? ये 25 हज़ार का। क्या गारंटी है इसकी? कौन सी कंपनी है ये? रसिक है, नवी कंपनी है। अच्छा ये बनता है क्या? ये टेढ़ा हो गया तो बनता है क्या? पूरा नया डालेगा, पूरा नया डालते है, कौन डाल के देगा? हम लोग का ना जल के ना ये टेढ़ा हो गया, बैंड हो गया, तो बनेगा वो वाला दो वाला तो 2500, वो भी ये स्टील का, अभी तो कांच का चलता है यार। एक बार मतलब 2-3 साल चलेंगे ये। स्टील का कुछ नहीं होता है,
नहीं स्टील का मसला नहीं है, उसका मसला है ना, बर्नर का और उसका है प्रॉब्लम। स्टील तो वैसे ही वैसे रखा है अपना। देखते क्या ये 2500 बोल रहा है। अभी भी सामान इसी के पास से भेज, लेकिन लास्ट टाइम इतना अच्छा कुछ दिया नहीं था इससे अपने को, रिटर्न सारा तांबा वाम्बा इसी को बेचे थे। चलो चलो पे और आए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस है और कैसा है कंपनी एंड ऑल। ये क्या है, क्या फर्क है ये कैसा है ना, ये स्मॉल साइज की बॉडी है अपने को। हाँ ये बिग साइज है। क्या है प्राइस रेंज का है ये वाला? आपको 22 है, वो अपने को 1600 है। ये 1600 का है। और फ्लेम में दोनों में क्या डिफरेंस है? फ्लेम दोनों की सेम ही रहेगी फ्लेम, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉडी है, था बोल रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग है इसकी बॉडी, इससे साइज में भी बड़ी है। क्या बोलते हैं मैं देखो, ये स्टील थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हल्का है। माने मगा ऐसा क्या बोले आपने? 2000 और उसका ये 1400 बोलूँ मैं? बोल दो भाई 1700 में दे दो। काम मैं भी नहीं बोलता ज़्यादा। नहीं मत मत मत, अब कुछ भी मत बोलो, तुम बोले ना बस हो गया भाई। इसका कांच का आता है ना, इसका बाकी वारंटी वगैरह तो पूछा नहीं मैं। क्या वारंटी वगैरह इसकी? अपने को इसकी वारंटी है भाई, अपने को 1 ईयर तो बगने की सर्विस वारंटी है। हाँ और 5 ईयर एसएस बॉडी की वारंटी, बॉडी की वारंटी है 1 साल की सर्विस। हाँ बर्नर की। बाकी भाई ये साइड से वो तो नहीं होएगा ना, गैस लीक तो नहीं होएगा ना साइड से? क्योंकि ना देखो क्या, वो मान लो हम लोग का भी अच्छी कंपनी का था, लेकिन वो बैंड हो गया नीचे का ना, कॉपर के नीचे जो है बैंड का बाहर से आप हो रहे हैं ना, उसकी वजह से आपका हुआ होगा। मैंने भी ऐसा कभी नहीं होता। ठीक, इसको फिट करने आएगा क्या तुमको? दो है ना अपने पास में, एक है कांच का दिया ना इसने लिया ना। अच्छा बाजू वाले को दिया ना। अच्छा वो चिल्ला के आप लेंगे तो क्या करेंगे? वारंटी कार्ड कोई प्रॉब्लम होती है ना, ये कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है। ठीक है, इसका फोटो आपके एड्रेस का भी व्हाट्सएप कर दूँगा। अपने स्टैम्प मार देना यहाँ का। बाकी हम लोग के पास में जो चूल्हा उसका क्या करने का लेंगे आप? जूना वाला। हाँ वो तो उसको देखना पड़ेगा जैसा रहेगा वो हिसाब से। क्या रहता रेंज उस गैप में जाता है अपने को, जैसा रहेगा 200-300 उसके हिसाब से मिलेगा, देख के बताएंगे। उसका खाली बर्नर गया हुआ है और कुछ बाकी सब बॉडी से अच्छा है, जो भी देख के ही पता चलेगा। बाकी कुछ भी रहेगा जैसे 1 साल के अंदर आप कंप्लेंट रेज कर देंगे। थैंक यू ब्रो। ले लिया भाई फाइनली, चलते हैं भाजी लेने के लिए भाई। तो देखो बच्चा, शादी करो, शादी करोगे तो बच्चे होंगे और बच्चे होंगे तो ये सामान वामान उठाने में आसानी होती है भाई। ये थोड़ा साफ है। 80 हो रहा पकड़ी है ना। नाल लेने का क्या, घावने बनाना? जो कपड़ा मार्केट है पियेंगे अम्मी। भाई प्लास्टिक के ग्लास में देना, मेहनत करने के बाद में गन्ने का जूस तो बनता है। है ठीक ठाक है, उससे तो अच्छा है, दूसरे वाले से अच्छा है। मेड इन इंडिया, यहाँ पे मेक इन भारत कर दो फिर। मम्मी को दे देंगे ये लोग, यहाँ पे रखा आपका, ये मेरे को दे दो ना हाथ में। पसीना पसीना हो गया भाई आपका, भाई जरा सा ही मेहनत करे तो पसीना आ जाता आजकल। भिंडी कैसा भाई? भिंडी 40। सूखी मच्छी हमें पिराना, सब पुराना सामान। तो ये है पूरा अमृत नगर का बाजार, यहाँ पे तुमको छोटी छोटी स्पाइसेस सस्ते में मिल जाती है। ये सारे चीज़ें प्लास्टिक की, लेना क्या है, लेना क्या है? 50 रुपये में सब। और ये कैसा है? 50 का 4। ये अच्छा है ना फिर? कौन सा था?
खोबरा पेरू चाइना वाला है क्या? टेस्ट नहीं आता अपने, टेस्ट नहीं आता क्यों? लेकिन भाई वो एकदम अच्छा वैसी रहता है, नरम मुलायम रहता है, मीठा ज्यादा नहीं रहता, कम रहता है। अच्छा, एकदम ऐसा लगता प्लास्टिक प्लास्टिक जैसा नहीं लगता, दिखने में खूबसूरत है बहुत, खूबसूरत है, खाने में थोड़ा सा वो ओरिजिनल अपना तो लगी रहता है वो। काट के दिखा दो, काट के खिला दो ना, मीठा कम रहेगा, एकदम अच्छा रहता, मीठा थोड़ा कम लगता है, काट के खिला दो, मुलायम रहता है। नहीं भाई मीठा है, मैं बोल रहा हूँ ना, रहता है मैं एकदम कुछ भी नहीं रहता, कापूस लगता है एकदम, पोकला रहता है। कैसा बोले ये? 40 से रहता, 50 60 भी का कम दे दो। क्या था ये देखो, जो पेपर गिरा है ना ये, मैं पैक हो क्या था काला दे दो ताकि धब्बा नहीं लगे। हाँ डाल दो, अच्छा है वो, परफेक्ट है, परफेक्ट आता है ना, तो वहाँ से बाजार ले रहे हो तो ले लीजिए। कैसा भैया पेरू? अरे यार मम्मी आईना लेने का था, मम्मी वो कितना ले? ये थोड़ा फ्रेश लग रहा है, 10 का है। किधर है? किधर ये 10 की कांजे की बात हुई, 15 का दो नहीं है। तुम्हारी मर्जी, ये ले लो, ये अच्छा है ना, 10 में और क्या मांगता, कहीं मिलता है क्या 10 में? 20 के दो है, 10 का एक बोले ना, 20 का दो है, दे दो भाई। ये भाई सब कान के कैसे प्राइस में? कौन सा? ये सब सब अलग अलग भाव है, ये सब 400 वाले, सब 400 वाले, ये 80 वाले, अच्छा वो 60 वाले, यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, ये भी 100 वाला, ये सब साठ साठ वाले, साठ साठ, ये सब 30-30 वाले, मेटल के, मेटल ऑक्सीडाइज, हाँ मतलब 50 का दो आएगा, 30 का एक खूबसूरत है ना। ये लो भाई कितना, 20 रुपया बोले ना, तो भाई ये भाजी 10 रुपए की। भाई मेथी कैसा? 50 का, 30 रुपया एक। क्या वजह क्या क्या सैंपल लिए? थैंक यू यार। अदरक वगैरह कुछ? अदरक वगैरह कुछ लेने का? अदरक, अरे यहाँ तो जगह नहीं है, बंद कर दिए, उधर ही से तो आए। भाई नल्ली कैसा? 20 रुपया ये नल्ली, 20 रुपया नल्ली, सब 20 रुपया पाव है, बाकी 30 रुपया, सब 20-20 रुपए का पाव है, हाँ ये 20-30 रुपया पाव है, ये लाइन पूरी 20 रुपया है, बाकी सब ये 30 रुपया पाव, ये 40 रुपया पाव। हमें लेकिन खाने में ना येल्लो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें आती है ना मिक्स, ठीक है ये 20 का पाव, बड़ी हो गई 20 रुपया पाव, ज़्यादा हुआ कम नहीं। अचार कैसा भाई, मीठा अचार है? 50 रुपये पहले आता था ना मम्मी, बहुत कुछ बदल गया पहले से। एक बात बता, तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ? ये पापड़ 20 रुपये कितने रहते अंदर? 7 है, 40 रुपये और भिंडी ले लेता ना, था 15 का था नहीं ले लू क्या? जरूर चाहिए ना, बाद में फिर मेरे वापस नहीं आने वाला मैं। टमाटर पूछू? टमाटर है। अरे मैं नारियल का बनाना ना, वो गहूने एक नारियल भरने तक ऐसा तोड़ तोड़ के खाए। भाई भिंडी कैसा? 20 का आधा, इससे सस्ता और क्या मिलेगा? 10 का आधा है, वो चुप बिल्कुल चुप चुप रहे बोलते वो ज्यादा खुश है। बैंगन, बैंगन कैसा? 20 रुपए की भिंडी और क्या सस्ती मिलेगी यार, ले भाई ले, आधा किलो दे दे दोस्त, निकालना आधा। याली निकालना, टॉली लग रही है।
बस भाई मुमरा का बाजार भाई, देखो पुराना मशहूर बाजार। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सामान तो ले लिए, पसीना पसीना हो गया आपके भाई का। ले लिए कि और कुछ बाकी है? ले लिए, ले लिए, बच गए। अम्मी बोले बस हो गया, चलो घर। तो भाई चलते चलते एक बात याद आई। हाँ हाँ गटर का कौन ले रहा है। चलते चलते एक बात याद आई कि मुमरा का बाज़ार और माँ का बाज़ार दोनों सस्ते हैं, मिलता है भैया। मैंने बोला मुमरा का बाज़ार और माँ का बाज़ार दोनों सस्ते मिलते हैं, लेकिन इसको सस्ता को मेंटेन करने के लिए भाई तुमको जगह को और माँ को दोनों को मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो उसका भी ख्याल किया करो यार, आपकी ख्याल किया करो और बाज़ार का, अपनी सोसाइटी का, अपने एरिए का भी, और भाई साफ करो यार। मुसलमानों का ईमान आधा ईमान साफ सफाई है यार, हम लोग इस सब में पीछे है। लेकिन हम लोग मिक्स पॉपुलेशन में रहते हैं तो बराबर सब साफ सफाई वगैरह करते हैं, लेकिन जहाँ पे 99% to 100% हम लोग रहते हैं वहाँ पे हम लोग कचरा गटर ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई मीन लाइक सब नहीं करते, लेकिन दो चार की वजह से सबका नाम ख़राब होता है। तो मेक शॉर्ट टू डाट। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई बाज़ार वगैरह ले लिया और बहुत अच्छा सौदा मिला है, बहुत ज़्यादा अच्छा मिला। देखते हैं कि भाई बेगम को जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं। अरे बाप रे बाप, ये कौन किया, ये कौन किया? काम लगवाई मेहमान से, कोई काम करवा भाई। देखो कोई मेहमान आता है ना तो हमारी बेगम उनसे काम करवा लेती है। हाँ तो सोच समझ के आया करो। देखो भाई अल्लाह ने भेजे मदद के लिए। अभी एक स्टेप क्लियर हो गया है, अभी दूसरा स्टेप पूछ काटेगा कौन? पूछ के साथ खिलाओगी? कौन काटा डड़े वड़े मास्किंग? भाई देखो मेहमान लोग जो भी आओगे घर पे तो सोच लेना, अल्लाह की मदद के नाम पे आपसे काम करवाया जाता है यहाँ पे। मेरे रिश्तेदारों, मेरे मेहमानों सोच लेना। बोला जाता है कि मेहमान बरकत होते हैं, ज्यादा बरकत बन के आ गए। मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ मैं ये। और देखो ये झींगा है और भाई 100 रुपए में कहीं पे भी आप बाहर जाओ, मेरे को नहीं लगता है कहीं पे आपको 100 रुपए का झींगा मिलेगा, ठीक है? बट आपको मुमरा में मिल जाएगा। ये जो लिए थे दिस इज ओनली फॉर 10 रुपीज़ यार, उसमें ही मम्मी बोल रहे कम करवाओ। 10 रुपए की मिर्ची पाव किलो, ये 10 रुपए की भिंडी थी, 20 रुपए की आधा थी बराबर। मम्मी बोल रहे थे कि भाई 15 की दो। सोचो यहाँ की बार्गेनिंग स्किल्स देखो, 10-10 रुपए का ये भुट्टा, ये 40 रुपए का मम्मी ये भुट्टा, 50 रुपए का भुट्टा। तो क्या चाहिए इससे और सस्ता क्या हो सकता है मुमरा में? हाँ तो भाई जो भी देख रहे हैं शॉपकीपर लोग वो महंगा मत कर देना। और जो भी देख रहा है वो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको मुमरा की छोटी मोटी चीज़ें और बहुत सारी जानकारी आपको इस व्लॉग में और मेरे व्लॉग में आपको मिलती रहेगी। अरे कच्चा नहीं खाते बेटा इसको, अरे कच्चा नहीं खाते। ले लो बिस्मिल्लाह। तो चला के देखते हैं, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह सही है ना मम्मी? Yes, तो भाई देखो आप लोगों के सामने मैंने 500 रुपये की नोट निकाला था, 250 रुपये में, 250-270 रुपीज़ में थोड़ा सामान आ गया। तो कौन बोलता है भाई मुमरा महंगा, मुमरा महंगा नहीं है, मुमरा इज़ वेरी चीप। बट यहाँ के लोग बस सुधर जाए ना यार, कसम से इससे बेस्ट जगह कोई भी नहीं हो सकती है, बिलीव मी। बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा बाज़ार वाला। थैंक यू सो मच भाई, मेहनत करके आने के बाद में पेरू खाने का मज़ा अलग ही है। लेफ्ट हैंड से खा रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड में मेरा कैमरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई चलो व्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मैं इसको निपटा सकता हूँ।